ओके तो स्टूडेंट्स, दिस इज द चैप्टर 4 फ्रॉम एनसीईआरटी ऑफ और एनी ऑफ द बुक ऑफ 11th क्लास. द चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग, द वन ऑफ द मोस्ट बेसिक चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि अगर केमिकल बॉन्डिंग वीक है आपका, तो आपका पूरा इनऑर्गेनिक डूब जाएगा. आई रिपीट, अगर केमिकल बॉन्डिंग आपका वीक है तो बहुत दिक्कत होने वाली है, और अगर केमिकल बॉन्डिंग आपका स्ट्रांग है तो पूरा इनऑर्गेनिक, सम पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक आपको मजा आएगा पढ़ने में, अदरवाइज वो मजा नहीं आने वाला है. तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एज वेल एज सम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. पूरा बेस है यार ये पूरा केमिस्ट्री का. तो चलो स्टार्ट करते केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है? ओके, देखो नेक्स्ट क्या है. केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? देखो क्या है फर्स्ट पॉइंट, वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या है. द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड वेरियस कंस्टिट्यूएंट सच एज एटम, आयंस एक्सेट्रा टूगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड. तो केमिकल बॉन्ड क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स. एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो बहुत ही सारे कंस्टिट्यूएंट को आपस में जोड़ते हैं, एटम को, आयंस को, मॉलिक्यूल को, सब तरह के आपस में जोड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड. देखो बेटा, अगर समझने की कोशिश करेंगे, कोई भी दो एटम है, एनी ऑफ द टू एटम, ठीक है? अगर सपोज दैट ये एटम ए है और ये एटम बी है, तो ये एटम और ये एटम आपस में अट्रैक्ट करेगा. एटम ए और एटम बी आपस में अगर अट्रैक्ट किया तो ही बॉन्डिंग होगा, अदरवाइज बॉन्डिंग नहीं होगा. तो क्वेश्चन ये आता है कि सर कौन अट्रैक्ट करेगा? तो चलो देखते हैं कौन अट्रैक्ट करेगा. यू नो दैट एवरी एटम हैज द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल एंड दे हैव द प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियस. तो जो अट्रैक्शन होने वाला है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होने वाला है बेटा, वो किसके बीच होने वाला है? इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी बोलेंगे, जिसमें प्रोटॉन है. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे लग रहा है? इलेक्ट्रॉन ऑफ बी एंड न्यूक्लियस ऑफ ए जिसमें प्रोटॉन है, ठीक है? ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे आपस में, ये दोनों भी आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये अट्रैक्शन फोर्स के कारण ए और बी नजदीक आते जा रहे हैं, और नजदीक आएगा एक टाइम पे और बॉन्ड बन जाएगा, इसी को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड. बट एक क्वेश्चन यहां पर यह भी आता है कि सर यहाँ रिपल्सन भी तो लग रहा है जब नजदीक आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी के बीच एंड न्यूक्लियस ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी के बीच, तो ये रिपल्सन भी तो लग रहा है सर. कंटिन्यू दोनों रिपेल करेंगे आपस में. देखो इसको मैं ब्लैक से दिखा रहा हूं, ये और ये आपस में रिपल्सन करेंगे, ये और ये आपस में रिपल्सन करेंगे. तो कंसेप्ट ये है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी एटम में ज्यादा हुआ फोर्स ऑफ रिपल्सन से, तो ही बॉन्डिंग होगा, अदरवाइज कुछ भी कर लो बॉन्डिंग कभी नहीं होगा. ये था फर्स्ट लाइन का एक्सप्लेनेशन. द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड वेरियस कंस्टिट्यूएंट सच एज एटम एंड आयंस एक्सेट्रा together in different chemical species is called chemical bond. अब बेटा जो second point है हमारा, ठीक है, कि कोई भी molecule जो form होगा वो ज्यादा stable होगा, उसकी energy कम होगी. जैसे मान लेते ही कोई hydrogen atom है और ये hydrogen atom है, ये दोनों अगर combine होकर के hydrogen molecule बनाएगा, तो इसकी एक ही कंडीशन होगी कि इस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी, मतलब एनर्जी ऑफ H2, एनर्जी ऑफ H2, ये
लेस होगी, लेस देन होगी एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम की एनर्जी से अगर E2 की एनर्जी कम हुई तो ही बॉन्डिंग बनेगा। सपोज दैट इस हाइड्रोजन एटम की एनर्जी है 10 जूल, इसकी 10 जूल, तो H2 की हो सकती है एनर्जी होगी 8 जूल। तो जब ऐसा कभी कंडीशन हुआ कि अगर मॉलिक्यूल की एनर्जी लेस देन एटम की एनर्जी हुई तो ही बॉन्डिंग होगा। और अब जब ऐसा होगा बेटा तो समझने की कोशिश करो कि 10 जूल और 10 जूल कंबाइन होकर के 20 जूल होना चाहिए था, लेकिन 8 जूल हुआ, तो 12 जूल एनर्जी क्या हुआ? 12 जूल एनर्जी रिलीज हुई है। क्या हुई है? रिलीज हो गई है, निकल गई है वहां से, रिलीज हो गई है। तो जब भी एनर्जी रिलीज होगी, जब भी एनर्जी रिलीज हुई किसी रिएक्शंस में, तो बॉन्ड फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बॉन्ड फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो बेटा, थर्ड पॉइंट क्या है कि कोई भी एटम, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ये आपका सल्फर एटम है, ये क्लोरीन एटम है, कोई भी एटम अगर कंबाइन होके मॉलिक्यूल बन रहा है, तो वो एटम अपना नियरेस्ट, जो भी नियरेस्ट नोबल गैस होगा उसके उसके कॉन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए बॉन्ड बनाता है। आई रिपीट, अगर मान ले हाइड्रोजन एटम बॉन्ड बनाएगा, तो हाइड्रोजन के नियरेस्ट हीलियम है, तो वो चाहेगा हमको हीलियम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हो जाए। अगर सल्फर कोई बॉन्ड बना रहा है, तो सल्फर के नजदीक में आर्गन आता है, तो वो चाहेगा सल्फर की आर्गन के जैसा हम कॉन्फिग्रेशन बना लें। क्यों? क्योंकि आर्गन स्टेबल है, हम भी स्टेबल हो जाए। क्लोरीन आर्गन के जैसा चाहेगा, ठीक है, फ्लोरीन है तो फ्लोरीन चाहेगा कि हम नियोन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बना ले, इसीलिए एफ माइनस आपको बताया था 1s2 2s2 2p6 होता है, तो नियोन के जैसा हो जाता है। तो कोई भी एटम बॉन्ड बनाएगा और चाहेगा कि मेरे जो नियरेस्ट नोबल गैस है ना, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन को अचीव कर ले। बेटा अब आपको पता चल गया है कि कोई भी एटम क्यों कंबाइन करेगा, कंडीशन क्या होगा, और कंबाइन होने के बाद क्या होगा, एनर्जी का लेना देना क्यों होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए, और कंबाइन होने के बाद एनर्जी रिलीज होना चाहिए, और स्टेबल कॉन्फिग्रेशन होने चाहिए। अब केमिकल बॉन्डिंग का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हम जानना चाहेंगे केमिकल बॉन्डिंग में कोई भी मॉलिक्यूल अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो यहां से हम स्ट्रक्चर सीखना स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूल का, ठीक है। लुईस का क्या कहना था कि लुईस कहता था कि कोई भी एटम अगर कंबाइन कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो वो चाहेगा कि हम अचीव करें 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। हर एटम चाहेगा कि हम अपने आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भी आ गया, कोई भी एक्स एटम है इसके आउटर मोस्ट शेल में, अगर मान ले 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा और चाहेगा कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो मेरा काम हो जाएगा, तो मेरा बॉन्डिंग का काम हो जाएगा। तो बॉन्डिंग तब बनाएगा टू फुलफिल द ऑक्टेट रूल, इट इज कॉल्ड द लुईस ऑक्टेट रूल, टू बिकम अ 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अब बेटा देखो, जिसे यहां पर मैंने कुछ ग्रुप के नाम लिखे हैं, फर्स्ट ग्रुप में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, आज के बाद याद रखना, फर्स्ट ग्रुप जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम सबके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ग्रुप जैसे बेरिलियम मैग्नीशियम सबके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 13 बोरोन फैमिली बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम सबके पास 3-3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 14 कार्बन फैमिली कार्बन सिलिकॉन सबके पास 4-4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली सबके पास देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 1, 2, 3, 4, 5, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली 6-6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन से आता है फॉस्फोरस, ग्रुप 17
सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन और क्लोरीन, और ग्रुप 17 के बाद 18 में तो आठ आ ही जाता है। तो आज के बाद आपको हर ग्रुप के एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन के 6, क्लोरीन के 7, सिलिकॉन के 4। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता नहीं होगा तो आपका स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। तो आज आपका एक ये भी टास्क रहा कि हर ग्रुप के एलिमेंट को याद रखना और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी याद रखना। एक ट्रिक है, पी ब्लॉक के लिए 13 मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 14 मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 15 मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 16 मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 17 मतलब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। अब बेटा कुछ पॉइंट्स है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। क्या पीरियोडिक टेबल में इन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होते हैं, पीरियोडिक टेबल में आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ रखा है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? हैलोजन। और सबसे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल, ठीक, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्योंकि एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो कभी भी नेगेटिव आयंस बनेगा तो वो बनेगा हैलोजन एटम का, और पॉजिटिव आयंस बनेगा तो वो बनेगा अल्कली मेटल का। और कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करके या गेन करके। ये बॉन्डिंग बनाने का तरीका बता रहा हूं क्या क्या बन सकता है, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव किस लिए हो रहा है? ताकि हर एटम स्टेबल कॉन्फिगरेशन को अचीव कर सके। जैसे देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं NaCl की, तो सोडियम यहाँ पर प्लस के फॉर्म में है, क्लोरीन माइनस। बेटा सोडियम जो होता है वो होता है 1H2, 2H2, 2P6 और 3S1। जब सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो ये S के इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे, बचेगा 1H2, 2H2, 2P6 और ये बन जाएगा नियॉन के जैसा। क्लोरीन, क्लोरीन होता है 1H2, 2H2, 2P6, 3S2, 3P5। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो हो जाएगा 3P6 आर्गन के जैसा। तो वही मैं आपको बताया हूं कि कोई भी एटम बॉन्ड बना रहा इलेक्ट्रॉन लेके या दे के, तो सब चाहेगा अपने नियरेस्ट नोबल गैस को पकड़े। सोडियम के जस्ट पहले आया था नियॉन, तो उसके लिए नियरेस्ट नियॉन आ गया। क्लोरीन के बाद आता है आर्गन, तो उसके लिए नियरेस्ट आर्गन आ गया, ठीक है। जो कैटायन और एनायन है बेटा, जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, वो दोनों जुड़ेंगे तो उस बॉन्ड का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद रखना आज के बाद, कोई भी कैटायन और एनायन आपस में जुड़ जाए ना, आपको पता है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, तो कोई ना कोई फोर्स हुआ, तो उस फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही आप बोलते हो प्यार से आयनिक बॉन्ड, या अब जानोगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यही दोनों इसी का नाम है, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट, ठीक है। ओके, अब देखो क्या है, लुईस ने बताया था कि कैसे हम इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम स्ट्रक्चर देखने वाले, ठीक है। ओके, देखो मैं क्या बोल रहा था, ये समझो कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज, कोई भी नेगेटिव चार्ज अगर आपस में ज्वाइन हो रहा, कोई भी कैटायन, कोई भी एनायन, इवन दो या दो से ज्यादा, एक कैटायन दो एनायन के साथ भी अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सब एक ही चीज है, ठीक है। ओके, अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का या आयनिक बॉन्ड का, ठीक है। कोई जैसे देखो, सोडियम है, इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो हो गया प्लस चार्ज, और क्लोरीन ने इसी के इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में रिएक्ट होकर के NaCl बनाएगा। दीज आर सम अदर एग्जाम्पल ऑफ आयनिक कंपाउंड, MgCl2, CaCl2, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, Na2S सोडियम सल्फाइड,
CaS2 कैल्शियम हाइड्राइड, AlF3 एल्यूमिनियम फ्लोराइड, NaH सोडियम हाइड्राइड, KH पोटेशियम हाइड्राइड, K2O पोटेशियम ऑक्साइड, Ki पोटेशियम आयोडाइड, RbCl रुबिडियम क्लोराइड, NaBr सोडियम ब्रोमाइड, CaS2 कैल्शियम हाइड्राइड। तो ये कुछ आयनिक के एग्जांपल्स थे जिसमें सारा कैटायन और एनायन के फॉर्म में है। ओके, अब देखो बेटा क्या है कि कंडीशन क्या है कि आयनिक बॉन्ड बने, कंडीशन क्या है, ठीक है। द एटम चेंजेस टू कैटायन, अगर जब तक कैटायन नहीं बनेगा और जब तक एनायन नहीं बनेगा तब तक आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। कैटायन कौन एटम बनेंगे? वो एटम जिसके पास या तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, या तो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, या तो तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट और 13th ग्रुप के एलिमेंट, एल्यूमिनियम बोरोन फैमिली, ठीक है। तो इसके जो एलिमेंट होंगे वो कैटायन बनाएंगे। एनायन कौन बनाएंगे? जिनके पास पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जैसे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन फैमिली, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन फैमिली, 7 हो जाएगा फ्लोरीन फैमिली, मतलब ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के जो एलिमेंट होंगे वो एनायन बनाएंगे। अब देखो क्या है, जो भी आयनिक कंपाउंड बनेगा, ये हम आपको पहले भी बताए थे कि आयनिक कंपाउंड के बीच में, दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होती है। डेफिनेटली बेटा, देखो इधर मेटल आ रहा है, इधर एक नॉन मेटल आ रहा है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक बॉन्ड बनेगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम हुई तब तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। ओके, अब आयनिक बॉन्ड बनने के लिए कुछ चीजें समझना होगा आपको। क्या अगर बॉन्ड बन गया तो ओवरऑल एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा, डिक्रीज होगा। हमने अभी पिछले स्लाइड में बताया था कि कोई भी बॉन्ड तभी बनेगा जब एनर्जी डिक्रीज हो, ठीक, एनर्जी रिलीज हो कोई भी बॉन्ड। तो अब आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए बेटा, जब हम आयंस बनाएंगे, कैटायन, तो कौन सी एनर्जी लगेगी? पोटेंशियल एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, और एनायन के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आपको ये दोनों एनर्जी लगेगी, जो मतलब ये दोनों एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा आयनिक कंपाउंड बनाने में। तो अब दोनों एनर्जी की बात करते हैं। आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी, देखो मैं इसको अलग कलर से करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव बनता है। आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा लो होना चाहिए, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होना चाहिए। क्यों अब ऐसा सर? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो रिक्वायर्ड एनर्जी लगना मतलब आप ईंधन को, कोई कोयला को, पेट्रोल को, कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे तब एनर्जी मिलेगा, तो रिसोर्सेस का यूज हो रहा है। तो हम सोचेंगे कम से कम रिसोर्सेस यूज हो, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी कम। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब एनर्जी रिलीज हो रही, तो हम सोचेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उसका हम अदर यूज कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई। एक नया एनर्जी आपके लिए है अभी फिलहाल, लैटिस एनर्जी, वो आपका ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। लैटिस एनर्जी क्या होता है? कोई कैटायन और एनायन आपस में जब बॉन्ड बनाता है ना, तो जो एनर्जी मैंने बात किया, जो एनर्जी रिलीज होगी, इसी एनर्जी का नाम है, जिसको डेल एच मैंने लिखा था, इसी का नाम है लैटिस एनर्जी। बात समझ में आया? डेफिनेटली एनर्जी ज्यादा रिलीज होना चाहिए। लैटिस एनर्जी को दिखाते हैं कैपिटल यू से, और ये क्या होता है, कैटायन और एनायन का रेडियस को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं कांस्टेंट से, और आपको निकल जाता है लैटिस एनर्जी। देखो ये कैटायन है, ये एनायन है, तो इस दोनों के एटम के, इस दोनों के सेंटर से सेंटर का जो दूरी होगा ना, इसको हम बोलेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बार बार हम आगे यूज करेंगे चैप्टर में। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा? कैटायन और एनायन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अब बेटा क्या है हमारा बॉन्ड हैबर साइकिल, ये क्या है? आपको मैं एक कंपाउंड बनाऊंगा, जैसे बताओ सोडियम है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके NaCl बनाएगा, बैलेंस Cl2 के फॉर्म में होता है, तो बैलेंस ये कर देता है, आप ये लिख करके खुश हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या क्या कसमकस हो रही है, क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं,
हम रिएक्शंस को अंदर से जानेंगे क्या प्रोसेस हो रहा है कि NaCl आपका बॉन्ड बन जाए। तो इस पूरे आयनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन के बारे में बताया था बॉन्ड हैपन में। इसको हम बोलते हैं थर्मोकेमिकल साइकिल, क्योंकि एनर्जी, थर्मो मतलब केमिकल, एनर्जी की बात कर रहे हैं। देखो क्या है, सोडियम बेटा मेटल होता है तो सॉलिड के फॉर्म में होगा। सबसे पहले मेटल कभी भी सॉलिड रिएक्ट नहीं करता है, तो सॉलिड पहले गैस में कन्वर्ट होगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। तो इसमें जो एनर्जी लगेगा, मैंने आपको पहले बता दिया डेल एच का मतलब आप पढ़ोगे एनर्जी, तो एनर्जी जो लगने वाला है वो सब्लिमेशन एनर्जी लगा दो, इसको गैस में कन्वर्ट कर दो। अब आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने वाली एनर्जी आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो अब ये सोडियम प्लस के फॉर्म में गैस में आ गया। अब बचा Cl2 मॉलिक्यूल। Cl2 मॉलिक्यूल बेटा, Cl तो ऑलरेडी मॉलिक्यूल के फॉर्म में, देखो यहां पर क्लोरीन क्लोरीन, तो जब तक आप इसको अलग नहीं करोगे ये सोडियम से रिएक्ट नहीं करेगा। तो आपने क्या किया, डिसोसिएट किया, तो इसको लिखेंगे एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन और आगे में हाफ लगा हुआ है तो हाफ एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। अब क्लोरीन एटम अलग हो गया गैस के फॉर्म में, गैस था गैस ही रह गया। अब क्लोरीन क्या करेगा, सोडियम के दिए हुए इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेगा और जो एनर्जी रिलीज करेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी आपने कैटायन बना लिया, एनायन बना लिया। अब देखो बेटा, सोडियम कैटायन और क्लोरीन एनायन दोनों आपस में मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण और बनाएगा NaCl, और जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। इसको यू से दिखाते हैं और नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि वो एनर्जी रिलीज होगी, जो अभी हमने पिछला पूरा पॉइंट्स में देखा। अब देखो बेटा, हम बात कर रहे हैं कि अगर हम पूरे रिएक्शंस के एनर्जी की बात करें, आप सिर्फ यहां देखना, सोडियम एटम क्लोरीन एटम गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है NaCl, और जो एंथैल्पी एनर्जी ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या होगी, एनर्जी पूरे एनर्जी की रिएक्शंस क्या होगी, सम ऑफ सब्लिमेशन अंदर का पूरा रिएक्शन। जैसे देखो ए से बी जा रहे हैं, ठीक है, तो 2 घंटे लग रहे हैं, लेकिन हम अगर तोड़ के जाएंगे ए से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे, डी से बी जाएंगे, तो भी 2 घंटे लग रहे हैं। तो ए से सी, सी से डी, डी से बी, तीनों को ऐड करके वो ए से बी बराबर हो गया। तो वही चीज मैं बता रहा हूं कि ये अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, पूरे रिएक्शंस क्या होगा, सम ऑफ ऑल द रिएक्शन एनर्जी, एनर्जी ऑफ रिएक्शन सम ऑफ ऑल द एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी, बस यही 5 एनर्जी है। तो सारे एनर्जी का सम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में था और लैटिस एनर्जी भी नेगेटिव में था, का सम होगा नेट एनर्जी ऑफ रिएक्शंस, फाइनल एनर्जी ऑफ रिएक्शंस, जिसको हम डेल एच फॉर्मेशन बोलते हैं। फॉर्मेशन मतलब NaCl जब फॉर्म किया तो एनर्जी कितना, क्या चेंज हुआ, उसकी ये बात किया है बॉन्ड हैवर्स साइकिल। अब हमने आयनिक कंपाउंड को बना लिया, तब आपने जैसे एक आयनिक कंपाउंड बना लिया NaCl या कोई भी MgCl2, तो इस आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसा बिहेव करता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, कोई भी आयनिक कंपाउंड, अब हम इसकी फिजिकल स्टेट की बात करें सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, कोई भी आयनिक कंपाउंड या तो वो सॉलिड स्टेट में होगा या सॉल्यूशन फेज में होगा, गैस में कतई नहीं होगा, गैस में कभी भी नहीं होगा, या तो सॉलिड स्टेट में होगा या तो सॉल्यूशन फेज में होगा, ठीक है। सेकेंड क्या है, आयनिक कंपाउंड आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं, आपके लिए एक नया वर्ड है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है समझते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना है आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्या होता है, सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, डिफरेंट फॉर्मूला, इन दोनों का फॉर्मूला अलग है,
बट दोनों का सेम स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर सेम होगा। जैसे देखो सल्फेट आयन SO4-2 और परमैग्नेट आयन MnO4-, दोनों का फॉर्मूला अलग है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। का नाम हम आगे सीखेंगे, टेट्राहेड्रल मतलब क्या होता है हम आगे सीखेंगे। बट यहाँ पर यह समझना है कि जो मॉलिक्यूल होगा उसका फॉर्मूला अलग है लेकिन स्ट्रक्चर सेम है, तो उस टाइप के मॉलिक्यूल को बोलेंगे, दैट पेयर ऑफ मॉलिक्यूल को बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जब मैं बहुत बच्चों से पूछता हूं कि बेटा बताओ मेरा आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या बैड कंडक्टर है, तो दे विल से गुड कंडक्टर, बट दिस इज लिटिल इनसफिशिएंट नॉलेज। देखो जो भी आयनिक कंपाउंड होंगे जैसे NaCl, आप इसको सॉल्यूशन फेज में ले आओ, सॉल्यूशन फेज में, तो इसके आयन्स होंगे और ये कंडक्टिव होगा, कंडक्टिव के जैसा बिहेव करेगा। लेकिन अगर आपने NaCl सॉलिड के फॉर्म में ले आए, जैसे आपका घर का नमक है उस सॉलिड फॉर्म में, तो वो नॉट या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आ रहा समझ में? तो जब वो सॉलिड फॉर्म में है, आयनिक सॉलिड आर, ऑल आयनिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, बट सॉलिड स्टेट में आपका नॉन कंडक्टर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो बेटा दो चीजें, आगे से आपको कभी भी बोला गया ना सिर्फ सॉल्युबिलिटी, तो बाय डिफॉल्ट आपको समझना है कि उसको हम पानी में H2O में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। H2O में डिसॉल्व करना मतलब सॉल्युबिलिटी, और अगर डायरेक्ट बोल दिया सॉल्युबिलिटी इन वाटर तब तो बढ़िया है, और अगर नहीं बोला सिर्फ सॉल्युबिलिटी बोल दिया तो बाय डिफॉल्ट वी सॉल्युबल इन H2O, उसको हम H2O में डिसॉल्व करेंगे। तो डेफिनेटली आयनिक कंपाउंड जो होगा वो सॉल्युबिलिटी होगा, पानी में सॉल्युबल।